नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन। यहाँ एंशियंट हिस्ट्री के जो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनका पेपर हमने गलती से पिछली साल वाला दे दिया था, यानी कि जो पहला पेपर था पिछले साल में और इस साल में कन्फ्यूज हो गया था मैं, तो वो वाला पेपर मैंने उठा के दिए थे तो पिछले साल वाला, जो पिछले साल के सवाल आए थे। और फिर बाद में भी कुछ छात्रों ने याद दिलवाया कि आपने वही सवाल दिए हैं जो 2023 में आए थे, तो मैंने भी जब देखा तो चेक किया तो फिर मुझसे गलती हुई। अब जो है एंशियंट हिस्ट्री का जो पेपर है फर्स्ट ईयर वालों का, उनका अब जो पहला पेपर है दूसरा पेपर है उसका हम गेस दे रहे हैं, आप इसको देखिएगा ध्यान से। पुरातत्व क्या है, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ये आपका पहला सवाल है कि पुरातत्व क्या है, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। इसके साथ अथवा में बेलन घाटी की विशेषताएँ बताइए, बेलन घाटी को परिभाषित करिए। बेलन घाटी में आपका फिगर भी है, मैंने फिगर अपने नोट्स में शायद बनाया, अगर नहीं है तो नोट्स मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी है, और जिसकी हार्ड कॉपी है वो भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो सारे बच्चे जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पहले में पुरातत्व क्या है, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। दूसरा है बेलन घाटी की विशेषताएँ बताइए, यूनिट सेकेंड से। गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति पर प्रकाश डालिए, अथवा में विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाणिक संस्कृति पर प्रकाश डालिए। यूनिट थर्ड से हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर प्रकाश डालिए, अथवा में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए। यूनिट फोर से कायथा संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, और इसके साथ साथ बनास की संस्कृति या जोरवे आप पढ़ लेंगे, जोरवे पिछले साल पूछा था, इस बार हो सकता है कायथा तो पूछेगा, और बनास की संस्कृति पर प्रकाश डालिए। ये दो सवाल, कायथा और बनास की संस्कृति। यूनिट पाँच से मृदभांड चित्रित धूसर पर प्रकाश डालिए, और टिप्पणी में आप देखिएगा, और इस टिप्पणी लिखिए किसी में से, इसका मतलब ये हस्तिनापुर और कौसाम्बी दोनों में से किसी एक का आपको टिप्पणी लिखना है। तो इतने आपके पांच यूनिट के 10 सवाल मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए कैसे टैकल करें सवाल को। जैसे पहला यूनिट है तो इसमें हमको बेलन घाटी नहीं पढ़ना है, अगर बेलन घाटी पढ़ना है तो हमको पहला वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। सोन वेलन में कोई आ सकता है, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड पैटर्न ही काम करेगा, लेकिन अगर आप पुरातत्व क्या है, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए, अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं सवाल आपके पेपर में आएगा। बेलन घाटी आप तैयार कर लीजिए, बेलन घाटी में आपके पास चित्र भी है, आप चित्र भी बना सकते हैं। पुरातत्व क्या है, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र का आपको फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, तो फ्लो चार्ट और चित्र आप जरूर बनाइएगा जिसमें हो पाए। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी, जितना पूरा आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इसको दिखा सकते हैं आप नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट करके, मतलब जो उसका डायरेक्शन होता है, मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा की सभ्यता थी। तो इसको आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नंबर अच्छा मिलेगा। कायथा की संस्कृति कहाँ थी उसको आप मैपिंग से दर्शा दीजिए। ये सब आप काम करिए, ये सब आपके नंबर में एक्स्ट्रा नंबर ले जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम को फॉलो करिए और ये आप जाके तैयार करिए, क्योंकि पिछला वाला जो था मैंने गलत दे दिया था। थैंक यू।